सरकार के मानक तक वही हमारा डिस्ट्रिक्ट वही जो आपकी गाइडलाइन है मंदिर में क्या रहा आज कैसा प्रदर्शन रहा ये प्रदर्शन नहीं है काशी वासियों के लिए एक लड़ाई है जो पिछले 18 जुलाई 2023 से लड़ी जा रही है प्रशासन को आज हमने अवगत कराया है तीसरी बार ये अवगत कराया है कि जो भी द्वार एक द्वार निर्धारित करके अपने सुरक्षा मानकों के अनुसार काशी वासियों का स्थानीय आईडी देख करके उनको प्रवेश दिया जाए उनको निःशुल्क दर्शन कराया जाए कहीं ना कहीं काशी वासी अपने काशी पुराधिपति जो बोले जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी उनके दर्शन से वंचित हो जा रहे हैं उनके लिए आज हमारा ये प्रयास है और हम सब लोगों ने बैरागिन पे राजीव गांधी जी की प्रतिमा पे नमन करके हम लोग विश्वास करे हैं प्रशासन के लोगों का भी सहयोग सानिध्य मिला है हम लोग को और एक प्रॉमिस भी हुआ है बहुत जल्द मुझे लगता है कि काशी के वासियों के लिए यहाँ पे एक द्वार निर्धारित करके सर क्या रहा है आज इंडिया गठबंधन के लोगों ने विश्वनाथ मंदिर पे प्रदर्शन किया है अलग कतार की मांग को लेकर के तो क्या कहना है आपका सर और क्या आपको पत्रक भी मिला है देखिए पत्रक प्राप्त हुआ है जहाँ तक दर्शन की बात है तो आप जानते हैं कि हमारे 90% दर्शनार्थी बहुत सुगमतापूर्वक ही दर्शन करते हैं और काशी विश्वनाथ आईडी नीचे कीजिए आईडी थोड़ा नीचे सुरक्षा के मानकों में थोड़ा सा डिफरेंट है हमारी एक सुरक्षा की समिति है हमारी सुरक्षा समिति है हम भी आचार संहिता की वजह से उसकी बैठक नहीं हो पाई थी जब भी बैठक होती तो बैठक कर करके हम लोग जो भी उचित निर्णय होगा उसके हिसाब से क्या इसके पहले भी कोई बात आई आपके सामने इस प्रकार की काशी वासियों को दर्शन करने में दिक्कत हो रही है क्या कहना है कि 2023 से आपको पत्रक दे रहे हैं जहाँ तक दर्शन की बात है जानते हैं सुबह 4 से 5 बजे हम सबके लिए स्पर्श दर्शन खुला होता है और हमारे जो नियमित दर्शनार्थी हैं वो सुबह ही अधिकांश उस संख्या में करके दर्शन करते हैं दर्शन करने के लिए तो बाबा के दरबार है किसी के लिए रोक नहीं है बाबा पूरे अखंड विश्व के हैं और सबके लिए दर्शन सुलभ है लेकिन काशीवासियों की ये मांग है इस पर उदारता जो भी निर्णय होगा सुरक्षा के मानकों के तहत